सो हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल माधवीस वर्ल्ड। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप गाइस आप लोग जहाँ कहीं भी रहते होंगे बहुत अच्छे से होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। और आज ना ये देखो जो ऊपर में कचरा आपको दिख रहा होगा, कचरे के जैसे छज्जा के ऊपर, हाँ मैं उसी को क्लीन करने वाली हूँ। और कुछ फालतू के सामान है, कुछ काम के भी सामान है जिसको मैंने ऐसे ही ऊपर में डाल दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत सारे जाले वगैरह लगे हुए हैं ऊपर में, उसको मैं निकाल लूँ। और यहाँ पे मैं इस तरीके से ना टेबल पे चढ़ रही थी, मुझे रियल में बहुत डर लगता है इस तरीके से चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना, क्योंकि मुझे ना डर लगता है मैं गिर गई तो फिर मेरा तो हो गया ना काम तमाम। क्योंकि मुझे ना यार मतलब हाथ पैर नहीं तुड़वाने हैं अपने, इसलिए काफ़ी डर लगता है मुझे, इसलिए मैं संभल संभल के चढ़ रही थी। और यहाँ पे जो भी सामान है ना उसको मैं नीचे फेंक दे रही हूँ, फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी, जाले वगैरह को साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जो काम का सामान है जैसे चटाई वगैरह मैंने रखा हुआ था उसको मैं फिर से रिटर्न वहीं पे रख दूँगी अच्छे से झाड़ के। और उसके बाद फिर मैं पूरा हॉल को साफ़ करूँगी, झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। और अभी मेरी जितनी भी वीडियो पोस्ट हो रही है ना गाइस, वो आज की ही वीडियो होती है। मतलब मैं ऑफिस से आने के बाद वीडियो बनाती हूँ, देन उसके बाद मैं पोस्ट करती हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं 5:30 बजे जब आती हूँ उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, देन उसके बाद मैं एडिट करके पोस्ट करती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी कारण मेरी वीडियो जो है वो लेट में आती है। लेकिन बावजूद उसके आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट देते हो यार, थैंक यू सो मच। सच्ची बता रही हूँ, दिल से इतनी खुशी होती है ना मुझे कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो। हमेशा ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहना गाइस। लव यू ऑल। मैं बोलने वाली थी लॉट्स ऑफ लव, बट सॉरी मिस्टेक हो गया। तो कई लोग बोलते हैं कि आपकी बातें अच्छी होती हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअल में पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाती हूँ कभी कभी, इसके लिए आई एम सो सो सॉरी। और क्या बोलूँ, हाँ इधर उधर की अगर आवाज़ें आएंगी गाइस तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अंदर में चल रहा है कूलर और बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो इसीलिए अभी घर के अंदर है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लेती हूँ बाहर निकल के, थोड़ी सी ताज़ी हवा भी मिल जाएगी। तो अगर साउंड आएगा तो प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग। और किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आपने जो लेगीस वियर किया हुआ है वो कितने का है, उसका प्राइस पूछा था मुझे किसी ने। तो गाइस ये जो लेगीस मैंने वियर किया हुआ है, मतलब मेरे पास 3 लेगीस है वाइट कलर की ही, लायरा की लेगीस है। और लायरा की लेगीस मुझे बहुत पसंद आती है, उसके जो क्वालिटी होती है ना कपड़े की बहुत अच्छी होती है। बट एक थोड़ी सी मुझे डिसएडवांटेज वाली बात ये लगती है कि लायरा की जो लेगीस होती है ना उसमें थोड़ी सी मतलब आप देख ही सकते हो कि पतली पट्टी मतलब बनी हुई है। वो डिज़ाइन के लिए बनाया है क्या क्या चीज़ के लिए बनाया है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो आई सजेस्ट अगर आप लोग ख़रीदना चाहो तो क्वालिटी बेस्ड तो लायरा की लेगीस अच्छी है। वैसे मैं कोई शॉप वाली तो हूँ नहीं कि मुझे आइडिया हो, बट और अच्छी लेगीस आती होगी, मैंने तो यूज़ नहीं किया है, वो आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि उसमें इस तरीके की कोई मतलब डिज़ाइन वगैरह नहीं बनी होती है। तो लेगीस शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी नहीं है यार, 250 की है शायद, हाँ शायद मैं भूल जाती हूँ कितने की है। तो चलो मैंने बहुत सारी बातें कर ली, काम तो मैं कर ही रही हूँ। और आप लोग लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा प्लीज़, गंदे गंदे कमेंट मत करिएगा यार, क्योंकि गंदे कमेंट्स आप करते हो ना तो वो आपकी ही मानसिकता ही है ना कि आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, आप किस नज़रिए से देखते हो सामने वालों को। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 30 सेकंड का अगर वीडियो भी बनाना है ना, रील्स भी बनाना है, तो उसको 10 बार शूट करना पड़ता है। यहाँ पे तो हमको 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनानी रहती है, उसको फिर आपको कट करना पड़ता है, सोचो कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जितने भी मेरे सपोर्टर हैं सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ 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 आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलो गाइस फिर मैं मिलती हूँ आपसे लास्ट में, ओके।
सो डियर, यहाँ पे ऊपर की सफाई हो गई है और गद्दे से बेडशीट भी निकाल दिया है मैंने। बाद में मैं साफ़ वाला बेडशीट मतलब बिछा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं बिछाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है सामने से, क्योंकि मैं आते ही स्टार्ट हो गई थी, जस्ट मैं आई और काम शुरू कर दिया था मैंने। तो अभी उजाला है, मतलब अभी शाम नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि शाम होता है फिर वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि रूम अंदर उतनी अच्छी नहीं है लाइटिंग और मेरे मोबाइल की कैमरे की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उजाले के रहते तक मतलब नेचुरल लाइट में भी वीडियो बनाऊँ, तो यही रहता है मेरा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी हॉल को, ये दूसरे बार का पोछा है, मॉर्निंग में मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, ये शाम का है जो भी क्लीनिंग वगैरह मैंने किया है। तो चलो गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी अच्छे से वीडियो या व्लॉग के साथ। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं कम्फर्टेबल हूँ, मुझे अच्छी लगेगी करने के लिए, तो मैं ज़रूर से ही करूँगी क्या क्या बोल जाती हूँ यार, मैं ज़रूर से ही करूँगी। और चलो फिर मिलती हूँ मैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेव रहिए, स्टे होम स्टे सेव। और बाहर अगर हैं, क्योंकि बाहर तो जाना पड़ेगा ना भाई, काम है तो जाना पड़ेगा ही, तो भी आप लोग मास्क पहनिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। और सपोज़ किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया होगा तो प्लीज़ आप लोग लगवा लीजिए, ओके। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। लव यू गाइस, सी यू सून, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।